तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रैमबो सिक्स नाम की इस मूवी के बारे में दोस्तों इस रैम्बो यूनिवर्स के अंदर तकरीबन पांच मूवी हमें देखने को मिल चुकी हैं पाँचों सुपर हिट रही थी और जो छठा पार्ट है वो हमें देखने को मिलने वाला है या नहीं सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बलाइकिन दबाकर इसे एल्बोस सेट कर लीजिएगा अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं अमेरिकी एक्शन फिल्म है पटकथा डैन गॉर्डन और स्टेलोन की कहानी से मैथ्यू सिरुलनिक और सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा सह लिखित थी और यह लेखक डेविड मॉरियल द्वारा उनके उपन्यास फर्स्ट ब्लड के लिए बनाए गए चरित्र जॉन रेम्बो पर आधारित है रेम्बो दो की अगली कड़ी यह रेम्बो फ्रेंचाइज की पांचवी किस्त है और इसमें स्टेलोन रेम्बो की भूमिका में है उनके साथ पाज वेगा सर्जियो पेरिसमेंचिटा एड्रियाना बैराजा यवेटे मोनरियल जिनी किम उर्फ येना हान जोक्विन कोसियो और ऑस्कर जेनाडा है फिल्म में रेम्बो अपनी गोद ली हुई भतीजी को बचाने के लिए मैक्सिको की यात्रा करता है जिसे मैक्सिकन कार्टेल द्वारा अपहरण कर लिया गया है और वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया है 2008 के बाद से पांचवीं फिल्म की योजना की बार बार घोषणा की गई विभिन्न पुनरावृत्तियों को विकसित और रद्द किया गया फिल्म की अंततः मई 2018 में घोषणा की गई जिसमें ग्रुनबर्ग निर्देशन से जुड़े थे मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में बुल्गारिया और स्पेन में शुरू हुई और दिसंबर 2018 में समाप्त हुई मई 2019 में अतिरिक्त फोटोग्राफी के साथ ब्रायन टाइलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए रेम्बो लास्ट ब्लड को 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था इसकी पटकथा लेखन ग्राफिक हिंसा और मेक्सिको के प्रति नस्लवादी और जेनोफोबिक रवैये के आरोपों के साथ आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन एक्शन दृश्यों और स्टेलोन के प्रदर्शन को उनकी वापसी के लिए प्रशंसा मिली मुख्य भूमिका नौ दस फिल्म ने 50 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट और 30 मिलियन डॉलर की प्रिंट और विज्ञापन लागत के मुकाबले दुनिया भर में इक्यानवे दशमलव पांच मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी एरिजोना में रहते हैं जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बेल्ट्रान और उनकी पोती गैब्रियला के साथ प्रबंधित करते हैं वह उन्हें बताती है कि उसकी दोस्त गिजेल को गैब्रियला के मृत पिता मैनुअल मैक्सिको में मिला था उनके विरोध के बावजूद गैब्रियला गुप्त रूप से मैक्सिको की यात्रा करती है जहां गिजेल उसे मैनुअल के अपार्टमेंट में ले जाती है जब वह उससे पूछती है कि उसने गैब्रियला और उसकी माँ का वो क्यों छोड़ दिया तो उसने बेरुखी से खुलासा किया कि उसने कभी उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की गिजेल दुखी गैब्रियला को पास के एक क्लब में ले जाती है जहां मैक्सिकन कार्टेल के प्रवर्तकों द्वारा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर लिया जाता है गैब्रियला के लापता होने के बारे में जानने के बाद रेम्बो मैक्सिको चला जाता है और गैब्रियला के ठिकाने के बारे में मैनुअल और गिजेल दोनों से पूछताछ करता है गिजेल अनिच्छा से रेम्बो को उस क्लब में ले जाती है जहां गैब्रियला को आखिरी बार देखा गया था और रेम्बो का सामना एल फ्लैको से होता है जिसने आखिरी बार गैब्रियला से बात की थी एक रहस्यमय महिला डेल। गाडो रेम्बो का पीछा करती है क्योंकि एल फ्लैको उसे गैब्रियला के कथित स्थान पर ले जाता है भाइयों ह्यूगो और विक्टर मार्टिनेज के नेतृत्व वाले कार्टेल द्वारा रेम्बो का सामना किया जाता है उसे पीटा जाता है और उसे चिन्हित किया जाता है वे उसके ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हैं जिसमें खेत के स्थान और गैब्रिएला की एक तस्वीर का खुलासा करते हैं जिसे विक्टर पहचानता है रेम्बो के कार्यों के कारण कार्टेल गैब्रिएला के साथ और अधिक दुर्व्यवहार करने की कसम खाता है कारमेन रेम्बो को वापस अपने घर ले जाती है जहां वह उसकी तब तक देखभाल करती है जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता इस बीच गैब्रियला को बार बार हेरोइन की खुराक दी जाती है और यौन गुलामी के लिए बेच दिया जाता है कारमेन का कहना है कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो मार्टिनेज भाइयों की जांच कर रही हैं जिन्होंने उनकी बहन का अपहरण और हत्या कर दी थी बाद में रेम्बो ने एक वैशालय पर छापा मारा और कई लोगों को मार डाला जब तक कि उसे नशे में धुत गैब्रियला नहीं मिल गई घर जाते समय रेम्बो पिछले दस वर्षों से, उ। से आशा और अर्थ देने के लिए गैब्रियला को धन्यवाद देता है लेकिन ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो जाती है क्रोधित रेम्बो ने मारिया को दूर भेज दिया टकराव के लिए खेत को मूर्ख जाल से घेर लिया और बाद में विक्टर को खोजने में कार्मेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट आया कार्मेन ने शुरू में मना कर दिया रेम्बो से कहा कि इससे कुछ हल नहीं होगा लेकिन उसके दुख और निराशा के लिए अपील करने के बाद वह आश्वस्त हो गई रेम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा गार्डों को मार डाला और विक्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया प्रतिशोध में ह्यूगो हिटमैन के एक समूह को रेम्बो के खेत में ले जाता है जहाँ प्रत्येक बूबी ट्रैप का शिकार हो जाता है अंत में ह्यूगो को बचाते हुए रेम्बो अपने बोवी चाकू का उपयोग करता है उसकी छाती को चीरता है और उसके दिल को चीर देता है इसके बाद कमजोर रेम्बो अपने पिता के घर के बरामदे पर बैठ जाता है और लड़ाई जारी रखने और अपने प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है क्रेडिट के दौरान पिछली फिल्म मो में रेम्बो की लड़ाइयों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें रेम्बो अपने घोड़े पर काठी बांधता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है कास्ट करें मुख्य लेख रेम्बो पात्रों की सूची जॉन रेम्बो के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन कारमेन डेलगाडो के रूप में पाज वेगा ह्यूगो मार्टिनेज के रूप में सर्जियो पेरिस मेंजिटा मारिया बेल्ट्रान के रूप में एड्रियाना बर्राजा गैब्रियला बेल्ट्रान के रूप में येवेटे मोनरियल जिनी किम उर्फियेना हान बार संरक्षक के रूप में डॉन मैनुअल के रूप में जोकिन कोसियो पास्कासियो लोपेज एल फ्लाको के रूप में विक्टर मार्टिनेज के रूप में ऑस्कर जेनाडा गिजेल के रूप में फेनेसा पिनेडा मैनुअल के रूप में मार्को डेलाओ डॉन मिगुएल के रूप में रिक जिंगेल डॉक्टर सर्जियो के रूप में मैनुअल उरिजा, लोला बटा लोरा के रूप में मिर्का प्रीतो एलेजांद्रा के रूप में शीला शाह बेकी के रूप में जेसिका मैडसेन मैनुअल की पत्नी के रूप में उर्सुला मुरायामा वाइट मैन वेशालय के रूप में ल्यूबोमिर निकोव विस्तारित कट के शुरुआती दृश्य में लुई मैंडलोर और आरोन कोहेन ने क्रमशः शेरिफ और राज्य पुलिस कप्तान की भूमिका निभाई उत्पादन विकास और लेखन फरवरी 2008 में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने खुलासा किया कि पांचवी फिल्म बनाना चौथी फिल्म की सफलता पर निर्भर करेगा उन्होंने कहा कि वह एक तैयारी कर रहे थे और यह काफी अलग होगी 11 मार्च 2008 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि वह रेम्बोवी लिखने का काम आधे अधूरे तरीके से कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह एक और युद्ध फिल्म नहीं होगी जिसमें बुल्गारिया को एरिजोना में रेम्बो के घर के रूप में भी माना जाता है 12, 13, 14 फरवरी 2009 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि वह पांचवी फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने कहा संघर्ष यह है कि इसे अमेरिका में किया जाए या किसी विदेशी देश में पंद्रह अगस्त 2009 में मिलेनियम फिल्म्स ने स्टेलोन के लेखन निर्देशन और अभिनय के साथ फिल्म को हरी झंडी दे दी उस समय कथानक अमेरिका मेक्सिको सीमा के पास अपहरित एक युवा लड़की को बचाने के लिए मानव तस्करों और ड्रग माफियाओं से जूझ रहे रेम्बो पर केंद्रित था 16 सितंबर 2009 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि फिल्म का नाम रेंबो वी द सेवेज हंट था और यह जेम्स बायन हगिन्स के उपन्यास हंटर पर आधारित होगी रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कथानक को फिर से तैयार किया गया था जो एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर प्राण ई का शिकार करने और उसे मारने के लिए एक विशिष्ट विशेष बल्कि हत्या टीम का नेतृत्व कर रहा था सत्रह न्यू इमेज बटा मिलेनियम फिल्म्स ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्टर और द सेवेज हंट का आधिकारिक सारांश जारी किया अठारह हालांकि नवंबर 2009 तक कथानक स्टेलोन द्वारा लिखी गई कहानी पर वापस आ गया था जिसमें रेम्बो का अपहरण कर ली गई एक लड़की को बचाने के लिए मैक्सिकन सीमा पार करना शामिल था 19 मई 2010 में स्टेलोन ने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को पूरा कर लिया है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि रेम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ होगा मुझे लगभग निन्यानवे परसेंट यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी बालबोआ के साथ वह किरदार पूरा हो गया वह घर चला गया लेकिन रेम्बो के लिए एक और साहसिक कार्य पर जाना मुझे लगता है भाड़े के इशारे के रूप में गलत समझा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है मैं ऐसा नहीं चाहता घटित होना दो शून्य दो शून्य एक शून्य के कांस फिल्म फेस्टिवल में मिलेनियम और न्यू इमेज ने हैंडआउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया जिसका नाम अब रेम्बो वी है इक्कीस इसके बावजूद स्टेलोन ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टरों में शामिल नहीं थे और स्टूडियो ने उनसे कहा था कि यदि वह फिल्म नहीं बनाते हैं तो वे इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी खत्म हो जाए और उन्होंने इस विचार से सहजता व्यक्त की 22. 2011 में, शॉन में को रेम्बो लास्ट स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने फर्स्ट ब्लड के छोटे शहर की थ्रिलर के अनुरूप बताया दो तीन दो शून्य एक दो में हुड ने खुलासा किया कि स्टेलोन द्वारा द एक्सपेंडेबल्स दो को खत्म करने के लिए रेम्बोवी को रोक दिया गया था हुड ने इस बात पर भी अपनी अनिश्चितता प्रकट की कि क्या फिल्म अनफॉगिवेन या पासिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी 24 अगस्त 2013 में यह घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और न्यू इमेज स्टेलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास और निर्माण करेंगे 25 जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी स्प्लेंडेड फिल्म्स ने पुष्टि की कि स्टेलोन ने रेम्बो वी के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है जिसे उन्होंने नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन के समान बताया 26 सितंबर 2014 में फिल्म का आधिकारिक नाम रेम्बो लास्ट ब्लड रखा गया जिसमें स्टेलोन भी निर्देशक के रूप में कार्यरत थे सत्ताईस 2015 में स्टेलोन और रेम्बो निर्माता बटा लेखक डेविड मॉरेल ने रेम्बो वी के लिए कहानी फिर से लिखी स्टेलोन उस किरदार के लिए एक भावपूर्ण यात्रा चाहते थे जिसे लेखक ने वास्तव में भावनात्मक शक्तिशाली कहानी बताया है स्टेलोन ने यह विचार निर्माताओं के सामने रखा लेकिन वे इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और स्टेलोन और मॉरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया 28 अक्टूबर 2015 में स्टेलोन ने एक प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा यह पता लगाना दिलचस्प है कि लोग कैसे और क्यों बन गए हैं वियतनाम में होने के आघात हानि और त्रासदी निश्चित रूप से होगी एक युवा अभिनेता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और यह विडंबना ही होगी कि रेम्बो 20 वर्षों से अधिक समय तक अभिनय करने के बाद युवा रेम्बो का निर्देशन करता है 29 जनवरी 2016 तक स्टेलोन ने कहा कि रेम्बोवी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा 30 प्री प्रोडक्शन मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेम्बोवी के रूप में विकसित करने की फिर से घोषणा की गई जिसमें मुख्य फोटोग्राफी सितंबर में निर्धारित की गई थी इस बात की पुष्टि की गई थी कि यह साजिश रैम्बो पर केंद्रित थी जो अपने परिवार के एक सदस्य के अपहरण के बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से मुकाबला कर रही थी इकतीस टेलोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की जिसमें वह मैथ्यू सिरुलनिक के साथ सहलेखन भी करेंगे उस समय उन्होंने निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी बत्तीस उन्नीस सौ अगस्त दो हजार अठारह में एड्रियन ग्रुनबर्ग को निदेशक के रूप में घोषित किया गया था उन्नीस सौ चौंतीस दो हजार अठारह में एड्रियाना बैराजा को कलाकारों में जोड़ा गया उन्नीस सौ अक्टूबर दो हजार अठारह में पांच वेगा छत्तीस येवेटे मोनरियल सैंतीस पेरिस मेन्चिटा अड़तीस ऑस्कर जेनाडा और जोकिन कोसियो उनतालीस को कास्ट किया गया मई २०१९ में लुई मैंडिलोर शीला शाह दिमित्री वेगास और जिनी किम उर्फ येना हान को बिना किसी पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ था चालीस इकतालीस बयालीस फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी २ अक्टूबर २०१८ को बुल्गारिया में शुरू हुई तैंतालीस चवालीस पहले यह एक सितंबर 2018 को शुरू होने वाला था पैंतालीस छियालीस और उससे पहले सत्ताईस अक्टूबर 2014 को श्रेविपोर्ट लुइसियाना में सैतालीस अड़तालीस बैराजा ने अपने दृश्य टेनेरिफ कैनरी द्वीप में फिल्माए पैंतीस मुख्य फोटोग्राफी चार दिसंबर 2018 को पूरी हुई उनचास अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में हुई पचास इक्यावन संगीत रेम्बो लास्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक फिल्म स्कोर द्वारा ब्रायन टाइलर जारी किया 20 सितंबर 2019 स्टूडियो स्लोवाक रेडियो कॉन्सर्ट हॉल लंबाई पचहत्तर शून्य तीन लेबल झील के किनारे निर्माता ब्रायन टायलर जो लिसान्ती ब्रायन टायलर कालक्रम तैयार है या नहीं मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक दो रेम्बो लास्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक दो चार्लीज एंजल्स ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर 2019 ब्रायन टाइलर जिन्होंने रेम्बो और द एक्सपेंडेबल स्त्रई पर स्टेलोन के लिए रचना की रेम्बो लास्ट ब्लड स्कोर करने के लिए लौट आए टाइलर ने ड्रेड सेंट्रल के साथ अपनी स्कोरिंग प्रक्रिया साझा की रेम्बो लास्ट ब्लड एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और संगीत को उस स्वर को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जिसे निर्देशक एड्रियन ग्रुनबर्ग ने इतनी खूबसूरती से सेट किया है मैंने हार्दिक और भावुक विषयों की एक श्रृंखला लिखी है जो परिवार न्याय न्याय और करुणा के लिए रेम्बो की इच्छा को प्रतिध्वनित करती है इन विचारों ने एक तानवाला तनाव पैदा किया जो एक संगीतकार के रूप में चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद दोनों था रसीले तार विशाल पीतल गड़गड़ाहट की थाप नाज़ुक पियानो और कष्टप्रद तुरही युगल हानि अफसोस आशा और प्रतिशोध के विषयों को प्रतिध्वनित करते हैं इस कालजयी चरित्र के लिए रचना करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है डेविड मॉरिल जन्म 24 अप्रैल 1943, एक कनाडाई अमेरिकी लेखक हैं, जिनका पहला उपन्यास उन्नीस में आया था फर्स्ट ब्लड जिसे बाद में उन्नीस में इसी नाम की फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया जिसने सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत सफल रेम्बो फ्रेंचाइजी को जन्म दिया एक उन्होंने 28 उपन्यास लिखे हैं और उनके काम का 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है दो उन्होंने दो शून्य शून्य सात दो शून्य शून्य आठ कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक मिनिस्ट्रीज दचो जेन भी लिखी प्रारंभिक जीवन मॉरेल का जन्म 24 अप्रैल 1943 को किचनर ओंटारियो कनाडा में हुआ था वह बीट्राइस, एक अजबाब वाला और जॉर्ज मॉरेल, एक रॉयल नेवी उडाका के पुत्र थे तीन क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला रूट छियासठ में लेखन से प्रेरित होने के बाद उन्होंने सत्रह साल की उम्र में लेखक बनने का फैसला किया एक उन्नीस में मॉरेल ने सेंट जेरोम विश्वविद्यालय वाटलू विश्वविद्यालय से संबद्ध से अंग्रेजी में बीए की उपाधि प्राप्त की और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हेमिंगवे विद्वान फिलिप यंग के साथ अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्होंने अंततः एमए की उपाधि प्राप्त की और पीएच डी दी अमेरिकी साहित्य में एक कैरियर पेन स्टेट में अपने समय के दौरान उनकी मुलाक़ात विज्ञान कथा लेखक फिलिप क्लास से हुई जो छद्म नाम विलियम टेन से बेहतर जाने जाते थे जिन्होंने कथा लेखन की मूल बातें सिखाई डो मॉरल ने 1970 में आयोवा विश्वविद्यालय में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया उन्नीस में उनका उपन्यास फर्स्ट ब्लड प्रकाशित हुआ अंततः इसे उन्नीस में इसी नाम की फिल्म में बनाया गया जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने वियतनाम के दिग्गज जॉन रेम्बो की भूमिका निभाई थी एक मॉरेल ने कई अन्य उपन्यास लिखना जारी रखा जिनमें द ब्रदर हुड ऑफ द रोज भी शामिल है जो उपन्यासों की त्रई में पहला है जिसे उन्नीस में रॉबर्ट मिचम अभिनीत एनबीसी लघु श्रृंखला में रूपांतरित किया गया था पूर्णकालिक लेखन के लिए उन्होंने उन्नीस में विश्वविद्यालय में अपना कार्यकाल छोड़ दिया दो उन्नीस में उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हॉरर राइटर्स एसोसिएशन पुरस्कार मिला नारंगी पीड़ा के लिए है नीला पागलपन के लिए है चार मॉरेल के स्रोत उपन्यास के अंत में जॉन रेम्बो के मारे जाने के बावजूद मॉरेल ने रेम्बो फर्स्ट ब्लड टू का उपन्यासीकरण लिखा और प्रस्तावना में बताया कि वह चरित्र को वापस जीवंत कर रहे थे मॉरेल इंटरनेशनल थ्रिलर राइटर्स संगठन के सह अध्यक्ष हैं दो मई 2018 में मिलेनियम फिल्म्स रुचि और बिक्री उत्पन्न करने के लिए इस परियोजना को कांस में लेकर आई बत्तीस स्टेलोन ने सत्यापित किया कि जैसे ही फिल्म रिलीज के करीब आएगी वह अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से तस्वीरें और वीडियो साझा करेंगे तिरपन चौवन फरवरी 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के गोद लिए हुए परिवार पचपन युद्ध इतिहास छप्पन और चरित्र गैब्रिएला के अपने पिता को खोजने के लिए मैक्सिको की यात्रा करने के इरादे की तस्वीरें साझा किं उन्नीस मार्च 2019 में स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से रेम्बो की खून से लथपथ और उसके हस्ताक्षरित धनुष पर निशाना साधते हुए एक तस्वीर का खुलासा किया अट्ठावन मई 2019 में यह पता चला कि स्टेलोन 24 मई 2019 को पैलेस डेस फेस्टिवल्स एट डेस कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष फर्स्ट लुक स्क्रीनिंग के साथ मेल खाने के लिए कांस में विशेष छवियां प्रस्तुत करेंगे उनसठ पहला ट्रेलर था चौबीस मई दो हज़ार उन्नीस को कांस में खुलासा किया गया साठ टीजर ट्रेलर तीस मई दो हजार उन्नीस को जारी किया गया था इकसठ और इसकी तुलना लोगान और अनफॉगिवेन से की गई बासठ टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड गाने का रीमिक्स संस्करण इस्तेमाल किया गया था तिरसठ एक अगस्त दो को स्टैलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया चौंसठ बीस अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया पैंसठ चार सितंबर 2019 को अलामो ड्राफ्टहाउस सिनेमा ने घोषणा की कि वह रेम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी पांच रेम्बो फिल्मों की मैराथन की मेजबानी करेगा छियासठ डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि पी एंड ए लागत तीस मिलियन डॉलर से कम थी चार नाट्यशास्त्रीय रेम्बो लास्ट ब्लड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था सड़सठ दादी ने चीनी वितरण अधिकार खरीदे और आठ आंकड़ा सह वित्तपोषण सौदे पर सहमति व्यक्त की अड़सठ तीस जुलाई 2019 को एमपीए ने फिल्म को आर रेटिंग दी उनहत्तर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 में वर्गीकृत किया सत्तर यह फिल्म 26 जून 2020 को गागा कॉरपोरेशन द्वारा जापान में नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी इकहत्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लायंस गेट ने रेम्बो लास्ट ब्लड के दो अलग अलग नाटकीय कट जारी किए जो देश के अनुसार अलग अलग थे संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में फिल्म नवासी मिनट तक चलती है ऑस्ट्रेलिया मैक्सिको स्वीडन ब्राज़ील फिनलैंड जर्मनी बहत्तर और जापान इकहत्तर में यह 101 मिनट चलती है बाद वाले संस्करण में कई हटाए गए दृश्य और एक वैकल्पिक उद्घाटन शामिल है जो लगभग दस मिनट चलता है यह बचाव के बीच में एक तूफानी बारिश में शुरू होता है तीन लापता पैदल यात्रियों को बाढ़ में फंसने का खतरा है पुलिस का कहना है कि उन्हें तलाशी रोकनी होगी क्योंकि यह बहुत खतरनाक होती जा रही है और पूछना होगा कि घोड़े पर सवार स्वयंसेवक कहाँ है फिर हमें जंगल में पैदल यात्रियों पर नजर रखने वाले रेम्बो से मिलवाया जाता है वह एक लड़की को मृत पाता है और फिर नीचे अन्य दो को पाता है वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक आदमी अपनी पत्नी के बिना नहीं जाएगा रेम्बो उसे बताता है कि वह मर चुकी है लेकिन वह भाग जाता है बाढ़ का पानी नीचे की ओर बहने लगता है और रेम्बो खुद को और लड़की को एक चट्टान से बांध देता है जबकि पानी का शुरुआती प्रवाह उनके ऊपर से गिरता है फिर वह लड़की के साथ बेस पर लौटता है और उस लड़के को देखता है जो अपना बॉडी बैग एम्बुलेंस में लादकर कर भाग गया था जिससे उसका पीटीएसडी शुरू हो गया लड़की उसे धन्यवाद देती है और रैम्बो घर लौटता है और घर में रहने वाली बूढ़ी महिला के साथ बातचीत करता है वह कब लौटे और कैसे उनके पिता बाहर रॉकिंग चेयर पर बैठते थे फिर वह घटनाओं से स्पष्ट रूप से पर ऐशान होकर सुरंगों में चला जाता है और द डोर्स पर एक सीढ़ी डालता है जब उसके पास सुरंगों में PTSD फ्लैशबैक होता है तो यह मृत यात्री के साथ जुड़ा होता है तीन वैकल्पिक शुरुआत के बाद फिल्म रेम्बो को उसके खेत में ले जाती है क्योंकि यह चुनिंदा उत्तरी अमेरिकी देशों और यूके में शुरू होती है तिहत्तर होम मीडिया रेम्बो लास्ट ब्लड को 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और लायंस गेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा एच डी ब्लू रे ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था बेस्ट बाय ने चार के यूएचडी रिलीज के लिए एक रिटेल एक्सक्लूसिव स्टील बुक जारी की चौहत्तर यह फिल्म कई हफ्तों तक बॉक्स के डिस्क रेंटल और ऑन डिमांड चार्ट में शीर्ष पर रही है पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जिसका शीर्षक रेम्बो लास्ट ब्लड एक्सटेंडेड कट है मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था अठहत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डीवीडी ने 10 डॉलर मिलियन कमाए और ब्लू रे ने घरेलू वीडियो बिक्री से 16.6 मिलियन डॉलर कुल मिलाकर 26.6 मिलियन डॉलर की कमाई की उनासी स्वागत बॉक्स ऑफिस रेम्बो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चवालीस दशमलव आठ मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में छियालीस दशमलव सात मिलियन डॉलर की कमाई की साथ ही दुनिया भर में कुल पंचानवे दशमलव एक मिलियन डॉलर की कमाई की जबकि इसका उत्पादन बजट पचास मिलियन डॉलर था पांच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एड एस्ट्रा और डाउन ट नेबे के साथ रिलीज किया गया था और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3,618 हजार थियेटरों से तेईस डॉलर पच्चीस मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था अस्सी फिल्म ने शुक्रवार को सात दशमलव एक सात मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के एक दशमलव तीन मिलियन डॉलर भी शामिल हैं इक्यासी इसने पहली बार 19 मिलियन डॉलर की कमाई की तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला की दूसरी सबसे अच्छी शुरुआत रही चार फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में 8.6 मिलियन डॉलर और तीसरे में तीन डॉलर छह मिलियन की कमाई की और क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रही बयासी तिरासी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को एक समीक्षाओं के आधार पर 26 परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग 4 बटा दस है साइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में कहा गया है इसके पहले के सीक्वल की तरह रेम्बो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मार्मिक कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में शामिल होने के लिए तैयार है चौरासी मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने इकतीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 26 का स्कोर दिया जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है पचासी सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक क्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जबकि ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने इसे औस्तन पाँच में से तीन दशमलव पाँच स्टार और छप्पन परसेंट निश्चित अनुशंसा दी चार रेम्बो चरित्र के चित्रण को जांच के दायरे में रखा गया था लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए लिखते हुए केनेथ तुरान ने फिल्म को चार में से तीन स्टार दिए और कहानी में रेम्बो की आश्चर्यजनक रूप से चिंतनशील परीक्षा की सराहना की निश्चित रूप से रेम्बो आश्वस्त है जब वह बुरे लोगों से कहता है मैं जा रहा हूँ तुम्हें बहुत बुरा दुख पहुँचा है लेकिन एक प्रकार की कमजोरी भी है जो हमें इस बात को लेकर चिंतित करती है कि लोग उसे चोट पहुँचाएंगे छियासी पीटर डेब्रूज ने वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी यह चरित विरोधाभासों का मिश्रण है जो एक तरफ उत्थायी क्षति का प्रतिनिधित्व करता है जो सैन्य सेवा किसी की आत्मा को कर सकती है साथ ही यह भी सुझाव देती है कि आदर्श सैनिक कैसा दिखता है एक आईजीएन के लिए फिल्म को दस में से चार पांच रेटिंग देते हुए विटनी सीबोल्ड ने अफसोस जताया एक चरित्र जिसे मूल रूप से उस नुकसान के प्रतीक के रूप में खड़ा होना था जो युद्ध एक सैनिक को पहुंचा सकता है अब उसे एक अचूक मानव मशीन गन के रूप में याद किया जाता है लेकिन स्टेलोन को भागी वारंट के अनुसार भावपूर्ण प्रदर्शन देने के लिए प्रबंधन का श्रेय दिया सत्तासी स्टेलोन और मैथ्यू सिरुलनिक की स्क्रिप्ट को प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं मिली द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक नकारात्मक समीक्षा में फ्रैंक स्कैच ने कहा कि यह पूरी तरह से अव्यवस्थित और सामान्य लगता है एक उचित विदाई की तुलना में रेम्बो टेलीविज़न श्रृंखला के लिए पायलट की अधिक याद दिलाता है लेकिन स्टेलोन को एक फ्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया गया अट्ठासी शिकागो ट्रिब्यून की केटी वॉल्श जिन्होंने फिल्म को चार में से एक स्टार दिया ने स्क्रिप्ट को बिल्कुल एक स्क्रिप्ट और लेखन को आलसी कहा उन्होंने कहा कि कहानीकार स्टेलोन और डैन गॉर्डन आप जानते हैं वास्तव में ऐसे चरित्र लिखने के बजाय आरोपित कल्पना का व्यापार करते हैं जो मानवीय नैतिकता के स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं नवासी ब्लडी डिस्गस्टिंग के विलियम बिबियानी ने कहा कि स्क्रिप्ट को इसके निम्नतम सामान्य भाजक तक सीमित कर दिया गया है पात्रों को जल्दी से स्थापित किया गया है और फिर उन्हें एक सरल कथानक में डाल दिया गया है कहने का मतलब है रेमबो मानको द्वारा भी सरल और फिल्म को रेटिंग दी गई पांच में से एक पांच नब्बे फिल्म को इंडिवायर के लिए डी प्लस ग्रेड देते हुए एरिक कोन ने कहा कि एक सहलेखक के रूप में स्टैलोन छिपे हुए इशारों के माध्यम से रेम्बो के लिए सहानुभूति पैदा करने में एक अच्छा काम करता है लेकिन लास्ट ब्लड यह साबित करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि उसने ऐसा करने की कोशिश की है एक बेहतर इंसान बनो इक्यानवे जबकि कई लोगों ने लास्ट ब्लड के कथानक को टेकन का व्युत्पन्न कहा सत्तासी नब्बे इक्यानवे वेब आधारित आलोचक जेम्स बेराडिनेली ने इसे फर्स्ट ब्लड के जाल निर्माण के कुछ कॉल बैक के साथ डेथविश संस्करण कह आ बानवे आलोचकों ने एक्शन दृश्यों की क्रूरता से भयभीत होने की सूचना दी कुछ ने इसकी तुलना एक स्लेशर फिल्म से की सत्तासी तिरानवे बेराडिनेली ने कहा शवों की संख्या बेहद अधिक है और मौत के तरीके हैलोवीन या फ्राइडे द तेरह वे सीक्वल के योग्य हैं और फिल्म को चार में से एक स्टार दिया बानवे डिब्रूज ने हिंसा को भयानक दिल दहला देने वाला नरसंहार कहा और फिर भी इसे प्रशंसकों से खुशी और उत्साह बढ़ाने के लिए कैलिब्रेट किया गया है जिन्होंने रेम्बो के विकास के साथ ईमानदारी से पालन किया है एक अप्रोक्स के विंस मैंसनी ना ए कहा यह वास्तव में इतना भयावह है कि मुझे विश्वास है कि वास्तविक जीवन के कार्टेल वीडियो हैं जो प्रतिद्वंद्वियों की यातना का जश्न मना रहे हैं जो कम रक्तरंजित हैं लेकिन उन्होंने फिल्म को अवश्य देखने की सिफारिश की चौरानवे इसके विपरीत न्यूयॉर्क पोस्ट के जॉनी ओलेक्सिंसकी ने कहा रेम्बो लास्ट ब्लड में साल का सबसे हिंसक फिल्म दृश्य है यह अद्भुत है लेकिन लगा कि कथन नाटक और घिसी पिटी कहानी को संपादित किया जा सकता था पचानवे डेन ऑफ गीक के डंकन बाउल्स ने इसे पांच में से तीन स्टार देते हुए लिखा यदि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो रेम्बो को हथियार चलाते धनुष चलाते हुए या बूबी को हेराफेरी करते हुए देखकर खुशी से रोना चाहते हैं जाल तो फिल्म वास्तव में आपके लिए नहीं है लेकिन यदि आप अपने पसंदीदा चरित्र के नरसंहार के ठोस प्रदर्शन की तलाश में हैं तो इसमें बहुत कुछ है छियानवे कई लोगों ने लास्ट ब्लड के चरमोत्कर्ष को होम अलोन के समान देखा जिसे इसके विपरीत पीजी रेटिंग दी गई है अट्ठासी नवासी पचानवे मेक्सिको में अपराध का चित्रण और अपराधियों के रूप में अधिकांश मैक्सिकन और लैटिनों के रूढ़िवादी चित्रण ने आलोचकों को फिल्म पर नस्लवाद जेनोफोबिया और ट्रंप राष्ट्रपति पद के समर्थकों को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया 9 अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तासी सत्तानवे द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लास्ट ब्लड को एक फिल्म का बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कहा है जो आपको केवल इसके खराब अभिनय वाले गेरोंटो अल्ट्रावायलेंस मैक्सिकन बलात्कारियों की ट्रंपियन कल्पनाओं से विचलित कर सकता है और हास्यास्पद रूप से असुर क्षित अमेरिकी सीमा और बलात्कार बदला हमलों के लिए इसका अत्यधिक उत्साह इसे पांच में से एक स्टार दिया गया अट्ठानवे सीबोल्ड ने लिखा मैं समझता हूं कि रेम्बो फिल्में शायद ही कभी सांस्कृतिक एकजुटता का गढ़ रही हों, लेकिन 2019 में ये व्यापक रूढ़िवादिता आक्रामक और पुरानी और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है सत्तासी कौन ने लिखा 2019 के अति संवेदनशील सांस्कृतिक माहौल में हत्यारे मैक्सिकन अपराध मालिकों और उनके कायर यौन दासों का एक शाब्दिक सफ़ेद उद्धारकर्ता से सामना करने का चित्रण इतना आसान नहीं है इक्यानवे रो जरेबर्ट कॉम के दूरदराज के संवाददाता मैक्सिकन फिल्म समीक्षक गेराडो वेलेरो ने भी मैक्सिको के लिए स्पेन के दोहरीकरण के उपयोग की आलोचना की और कहा कि मैक्सिकन ध्वनि की कोशिश करने वाले स्पेनिश अभिनेताओं के इस समूह पर हंसना असंभव था इस अजीब लहजे में हर दूसरे शब्द के साथ कोसते हुए उन्होंने यह भी लिखा अगर यह फिल्म इतनी मूर्खतापूर्ण नहीं होती तो शायद मुझे यह सब आपत्तिजनक लगता निन्यानवे हालांकि रूढ़िवादी खलनायकों के बारे में शिकायतों को संबोधित करते हुए बाउल्स ने लिखा खलनायक पिछले वर्षों की शुद्ध बुर आई के रूढ़िवादी तनाव से बनाए जा सकते हैं लेकिन उनकी निंदनीयता ही विस्फोटक भुगतान का काम करती है और कुछ विशेष रूप से हिंसा के बावजूद हिंसा करती है विकट क्षण भाग फो से कभी भी अत्यधिक पेट मंथन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते। छियानवे रेम्बो चरित्र के निर्माता और फर्स्ट ब्लड उपन्यास के लेखक डेविड मॉरेल ने ट्वीट किया कि उन्हें लास्ट ब्लड नापसंद है उन्होंने इसे गड़बड़ कहा और इसके साथ अपना नाम जुड़ने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं एक सौ एक सौ एक मॉरेल ने बाद में न्यूजवीक को बताया थिएटर छोड़ने के बाद मुझे अपमानित और अमानवीय महसूस हुआ इस नई फिल्म में भावपूर्ण होने के बजाय एक कमी है मुझे लगा कि इसे देखने के कारण मैं कम इंसान हूँ और आज यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है ट्रैकडाउन 1970 के दशक की अति हिंसक शोषण वाली ग्राइंड हाउस फिल्मों की खासियत है जिसकी तकनीक रेम्बो लास्ट ब्लड से मिलती जुलती है यहाँ सेट सस्ते लगते हैं दिशा अजीब है रेम्बो को जॉन स्मिथ कहा जा सकता है और फिल्म नहीं बदलेगी यह माना जाता है कि दर्शक रेम्बो की पृष्ठभूमि से परिचित हैं जबकि 40 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित होगा कि उन सुरंगों के साथ पृथ्वी पर क्या हो रहा है 100 विश्लेषण द एस्केपिस्ट के डैरेन मूनी ने लिखा रेम्बो ने अपने पारिवारिक फार्म के नीचे विस्तृत सुरंगों का निर्माण करके व्यत कांग्रेस की पद्धति को अपनाया है 102 स्क्रीन रेंट के जैक वोजनार ने कहा कि रेम्बो की सुरंगें कुची की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक स्वच्छतापूर्ण हैं लेकिन कल्पना तुलनीय है उन्होंने आगे कहा कि वे जहां वह अपने राक्षसों को रखता है जहां वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है और जहां वह अपने अतीत को करीब रखता है लेकिन समाहित रखता है फिल्म के अंतिम अभिनय के लिए वोजनार न एक कहा कि उसकी पीटीएसडी सुरंगे उसके बदला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लिखते हुए उसी गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करते हुए जो संभवतः 50 साल पहले उस पर और उसके दोस्तों पर इस्तेमाल की गई थी रेम्बो उभरकर सामने आया अपनी सुरंगों से जैसे कोई वियतनामी लड़ाकू मकड़ी के बिल से बाहर निकलता है कई लक्ष्यों पर गोली चलाता है और फिर भूमिगत रूप से गायब हो जाता है इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उन्हें क्या झटका लगा है 103 प्रशंसा रेम्बो लास्ट ब्लड के लिए पुरस्कारों और नामांकनों की सूची पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम राष्ट्रीय फिल्म एवं टीवी पुरस्कार 3 दिसंबर 2019 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलो नामांकित 104 सबसे अच्छी सह नायिका येवेटे मोनरियल जीता 105 106 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नामांकित 104। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एड्रियन ग्रुनबर्ग नामांकित 104। एक सर्वश्रेष्ठ एक्शन मूवी जीता 105 106 जॉन जेम्स रेम्बो जन्म 6 जुलाई 1944 रेम्बो फ्रेंचाइज में एक काल्पनिक चरित्र है एक वह पहली बार उन्नीस में डेविड मॉरेल के उपन्यास फर्स्ट ब्लड में दिखाई दिए लेकिन बाद में फिल्म श्रृंखला के नायक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हो गए जिसमें उनकी भूमिका सिल्वेस्टर स्टेलोन ने निभाई थी चरित्र के चित्रण से स्टेलोन को व्यापक प्रशंसा और पहचान मिली इस किरदार को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की एक सौ साल एक सौ नायकों और खलनायकों की सूची के लिए नामांकित किया गया था दो पहली फिल्म की सफलता के बाद रेम्बो शब्द का इस्तेमाल कभी कभी मीडिया हलकों में एक अकेले भेड़िए का वर्णन करने के लिए किया जाता था जो लापरवाह है आदेशों की अवहेलना करता है सभी समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा का उपयोग करता है अकेले खतरनाक स्थितियों में प्रवेश करता है और असाधारण रूप से कठिन है कठोर कच्चा और आक्रामक तीन रचना एवं पृष्ठभूमि डेविड मोरेल का कहना है कि रेम्बो नाम चुनने में वह रेम्बो सेब के नाम पर बल्कि ध्वनि से प्रेरित थे जिसका सामना उन्हें पेंसिल्वेनिया में हुआ था बदले में इन सेबों का नाम पीटर गुन्नारसन रेम्बो के नाम पर रखा गया जो 1640 के दशक में स्वीडन से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और जल्द ही यह नाम न्यू स्वीडन में फलने फूलने लगा रेम्बो नाम संभवतः रामबर्गेट गोथिनबर्ग में हिसिंगेन द्वीप पर एक पहाड़ी जहां पीटर गुन्नारसन का जन्म हुआ था और बो, जिसका अर्थ है निवासी के संक्षिप्त रूप से लिया गया था आ जा उनके कई वंशज अभी भी अमेरिका के इस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं मॉरेल ने यह भी महसूस किया कि इसका उच्चारण आर्थर रेम्बोर्ड के उपनाम के समान था जिनके सबसे प्रसिद्ध काम का शीर्षक ए सीजन इनहेल। उन्हें युद्ध बंदी के अनुभवों के लिए एक उपयुक्त रूपक लगता था जिसकी मैंने रेम्बो पीड़ा की कल्पना की थी चार इसके अलावा आर्थर जे रेम्बो वियतनाम में एक वास्तविक अमेरिकी सैनिक था लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा पांच उनका नाम वाशिंगटन, डीसी में वियतनाम युद्ध स्मारक की दीवार पर देखा जा सकता है उन्हें पहला नाम जॉन वैन जॉनी कम्स मार्चिंग होम अगेन गीत के संदर्भ में दिया गया था छह सात उपन्यास और पहली फिल्म में रेम्बो एक सैनिक के रूप में दिखाई देता है जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसे सामान्य जीवन में तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है वियतनाम युद्ध में उत्तरी वियतनामी सैनिकों के हाथों हुई यातनाओं के कारण उसे हिंसा की ओर प्रवृत्त दिखाया गया है अगली फिल्मों और उपन्यासों में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो संघर्ष से दूर रहना चाहता है लेकिन अपने दोस्तों और जिन लोगों की वह परवाह करता है उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए कुछ भी का रने को तैयार है उसके हिंसक स्वभाव के कारण कई नागरिक लोग उससे डरते हैं हालांकि कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन जो वियतनाम में उनके कमांडिंग ऑफिसर थे और संभवतः उनके एकमात्र मित्र हैं उन्हें समझते हैं और युद्ध में उनके द्वारा सहे गए दर्द और यातना को समझते हैं और जब वह अक्षम होने के बाद डाकू बन जाते हैं तो केवल वही उनके साथ तर्क करने में सक्षम होते हैं होप शहर में पुलिस अधिकारी आठ सेना में सिपाही के रूप में बिताए समय और गहन प्रशिक्षण के कारण रेम्बो का शरीर मानसल है उसके पास अत्यधिक मात्रा में ताकत और सहन शक्ति है रेम्बो वियतनाम युद्ध में अपने अनुभवों के कारण घने जंगलों में बड़ी संख्या में दुश्मनों के खिलाफ जीवित रहने में माहिर है वह गुरिल्ला रणनीति हथियार और आमने सामने की लड़ाई में भी विशेषज्ञ है रेम्बो के काले बाल और भूरी आंखें हैं उनकी ऊंचाई पांच फीट दस एक अठहत्तर मीटर है फर्स्ट ब्लड के लिए डीवीडी कमेंट्री में मोरेल ने टिप्पणी की है कि रेम्बो की प्रेरणा द्वितीय विश्व युद्ध के नायक ऑडी मर्फी थे सभी पांच फिल्मों में रेम्बो का किरदार सिल्वेस्टर स्टेलोन ने निभाया है एनिमेटेड टीवी श्रृंखला में चरित्र को नील रॉस ने आवाज दी है काल्पनिक जीवनी रेम्बो लास्ट ब्लड के अनुसार चरित्र का पूरा नाम जॉन रेम्बो है और उसका जन्म 6 जुलाई 1944 को बॉवी एरिजोना में पिता रिविस रेम्बो एक नौ दो शून्य दो शून्य 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 और माँ हेल्गा रेम्बो एक नौ दो चार एक नौ छः नौ के यहां हुआ था जैसा कि रेम्बो लास्ट ब्लड में रेम्बो के खेत की कब्रों पर दिखाया गया है रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट में उसे मूल अमेरिकी और जर्मन वंश का बताया गया है पात्र मेजर मार्शल रोजर टी मर्डॉक कहता है भारतीय और जर्मन मूल का यह एक अद्भुत संयोजन है फिल्म के उपन्यासीकरण से पता चलता है कि उसके एक इतालवी पिता और एक नवाजो है जॉन की भतीजी शर्लीन भी काफी मशहूर हैं रेम्बो 18 साल की उम्र में 6 अगस्त उन्नीस को अमेरिकी सेना में भर्ती हुआ हालांकि उसने रेम्बो में कहा कि उसे वियतनाम में भर्ती कर लिया गया उन्नीस में रेंजफोर्ड हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उनकी सैन्य सेवा जनवरी 1966 में शुरू हुई रेम्बो को सितंबर 1966 में दक्षिण वियतनाम में तैनात किया गया था वह उन्नीस में अमेरिका लौट आए और उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सेना के विषय श बलों के साथ प्रशिक्षण शुरू किया कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन के संरक्षण में उन्नीस के अंत में रेम्बो को एसओजी ब्रिगेड के सदस्य के रूप में वियतनाम में फिर से तैनात किया गया वह कर्नल ट्रॉटमैन की कमान वाली विशेष बलों की लंबी दूरी की टोही गश्ती इकाई का हिस्सा बन गए ट्रॉटमैन की टीम को बेकर टीम का कोड नाम प्राप्त हुआ और इसमें आमतौर पर आठ लोग शामिल होते थे अन्य ज्ञात सदस्य थे डेलमर बैरी एक काला गुर्गा जो जल्द ही रेम्बो का सबसे अच्छा दोस्त बन गया जोसेफ जॉय डैनफोर्थ रेम्बो का एक और दोस्त मैनुअल लोको ऑर्टेगा पॉल मेस्नर डेलबर्ट क्रैकहाउर यूसेप ग्रीसी कंटकोलेटा और राल्फ जोरगेन्सन एक ऐसी घटना में जो रेम्बो को जीवन भर परेशान करती रहेगी डैनफोर्थ की रेम्बो की बाहों में मृत्यु हो गई जब उनकी यूनिट आराम और स्वास्थ्य लाभ के समय पर थी एक कठोर सुशाइन बॉक्स से गंभीर रूप से घायल होने के बाद नवंबर 1971 में एक मिशन के दौरान रेम्बो की इकाई पर एनवीए बलों द्वारा अचानक हमला किया गया डेलमार रेम्बो और कुछ अन्य जीवित सदस्यों को उत्तरी वियतनामी सेना ने चीनी वियतनामी सीमा के पास पकड़ लिया और एक पाँव शिविर में रखा जहां कई अन्य अमेरिकी पांव को कैद किया गया और बार बार प्रताड़ित किया गया कठिन परीक्षा के दौरान रेम्बो की इकाई नष्ट हो गई लेकिन डेलमार और रेम्बो मई उन्नीस में कैद से भागने में सफल रहे और रेम्बो को तुरंत उनके अनुरोध पर फिर से तैनात किया गया अपने सैन्य करियर में किसी समय उन्होंने हैं लीकॉप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया रेम्बो को अंततः 27 सितंबर 1974 को अपनी आधिकारिक सैन्य छुट्टी मिल गई नौ उनकी अंतिम रैंक ज्ञात नहीं है लेकिन उनकी आर्मी अल्फा ड्रेस ग्रीन वर्दी के लैपेल पर पार किए गए तीर अधिकारी प्रतीक चिन्ह को देखते हुए यह मान लेना सुरक्षित है कि वह या तो प्रथम लेफ्टिनेंट या कैप्टन था संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर रेम्बो को पता चला कि कई अमेरिकी नागरिक वियतनाम से लौटने वाले सैनिकों से नफरत करते थे और उन्होंने दावा किया कि उन्हें और अन्य लौटने वाले सैनिकों को युद्ध विरोधी हिप्पियों द्वारा अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन पर कचरा फेंका कहाँ जाता है उन्हें बच्चों का हत्यारा कहा गया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया वियतनाम और स्वदेश में उनके अनुभवों के परिणामस्वरूप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक चरम मामला सामने आया साथ ही आत्म पहचान और चिंतनशीलता के आंतरिक प्रश्नों ने रेम्बो को कठिन परिस्थितियों को सभ्य तरीके से संभालने के बजाय समाज पर हमला करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था फर्स्ट ब्लड इसी बिंदु से शुरू होता है पहला रक्त उपन्यास उन्नीस फर्स्ट ब्लड उपन्यास में रेम्बो हो वाशिंगटन में हिचाइकिंग कर रहा है उसे पुलिस प्रमुख टीजल ने उठाया और शहर की सीमा पर छोड़ दिया बार बार वापस आने पर रैम्बो को टीजल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्टेशन ले जाया जाता है उस पर आवारा गर्दी और गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप लगाया गया और उसे पैंतीस दिनों की जेल की सजा सुनाई गई ठंडी गीली छोटी छोटी कोठरियों के अंदर फंसने के कारण रेम्बो को वियतनाम में युद्धबंदी के दिनों की याद आ जाती है और वह पुलिस से लड़ता है क्योंकि वे उसके बाल काटने और उसक आमुंडन करने की कोशिश करते हैं एक आदमी की पिटाई करते हैं और दूसरे को सीधे उस से काटते हैं उसे मार डालो वह भागता है मोटरसाइकिल चुराता है और पास के पहाड़ों में छिप जाता है वह एक तलाशी अभियान का केंद्र बिंदु बन जाता है जिसके परिणामस्वरूप कई पुलिस अधिकारियों नागरिकों और नेशनल गार्ड्समैन की मौत हो जाती है शहर में एक चरमोत्कर्ष पर जहां टीजल के साथ उसका संघर्ष शुरू हुआ अंततः विशेष बल के कर्नल सैम ट्रॉटमैन दस और टीजल द्वारा रेम्बो का शिकार किया गया टीजल अपने स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके रेम्बो को आश्चर्यचकित करने में सफल हो जाता है और उसके सीने में गोली मार देता है लेकिन जवाबी गोली से वह खुद पेट में घायल हो जाता है फिर वह रेम्बो का पीछा करने की कोशिश करता है क्योंकि वह शहर से बाहर भागने का अंतिम प्रयास करता है इस बिंदु पर दोनों व्यक्ति अनिवार्य रूप से मर रहे हैं लेकिन गर्व और अपने कार्यों को उचित ठहराने की इच्छा से प्रेरित हैं रेम्बो को एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ वह सहज महसूस करता है अपने शरीर पर डायनामाइट की एक छड़ी विस्फोट करके आत्महत्या करने की तैयारी करता है हालांकि फिर वह टीसल को अपने पीछे चलते हुए देखता है और निर्णय लेता है कि लड़ाई जारी रखना और टीसल की वापसी की आग से मारा जाना अधिक सम्मानजनक होगा रेम्बो टीसल पर गोली चलाता है और उसे आश्चर्य और निराशा होती है वह उसे मार देता है एक पल के लिए वह सोचता है कि कैसे उसने एक अच्छी मौत का मौका गवा दिया क्योंकि वह अब डायनामाइट जलाने के लिए बहुत कमज़ोर है लेकिन फिर अचानक उसे उस विस्फोट का एहसास होता है जिसकी उसे उम्मीद थी लेकिन सिर में पेट में नहीं जहां डायनामाइट था रखा है रेम्बो इस बात से संतुष्ट होकर मर जाता है कि उसका उचित अंत हो गया है ट्रॉटमैन मरते हुए टीजल के पास लौटता है और उसे बताता है कि उसने रेम्बो को अपनी बंदूक से मार डाला है कुछ ही क्षण बाद टीजल की घावों के कारण मृत्यु हो जाती है फिल्म उन्नीस नागरिक जीवन में लौटने के बाद दिसंबर 1981 में रेम्बो फिल्म फर्स्ट ब्लड दिसंबर 1981 में घटित होती है और इसकी शुरुआत रेम्बो से होती है जो अब एक बेघर बेरोजगार आवारा है और अपने पुराने दोस्त डेलमार बैरी की तलाश कर रहा है वह बैरी के घर जाता है लेकिन उसकी मां ने उसे बताया कि बैरी की मृत्यु एजेंट ऑरेंज के संपर्क में आने से हुए कैंसर से हुई है रेम्बो को पता चलता है कि वह अपनी विशेष बल इकाई का अंतिम जीवित सदस्य है यूनिट के सदस्य बैरी वेस्टमोर ब्रॉन्सन डैनफोद और ओर्टेगा अब सभी मर चुके हैं इसके बाद वह वाशिंगटन के छोटे से शहर होप की यात्रा करता है यह फिल्म होप ब्रिटिश कोलंबिया में फिल्माई गई थी जिसका प्रमाण शहर का संकेत है जहां उसकी लंबे समय की वजह से शहर के अहंकारी और दुर्व्यवहार करने वाले शरीफ विल टीजल की नजर उस पर पड़ती है बिखरे बाल आर्मी जैकेट और कुल मिलाकर मैला कुचैला रू टीजल जल्द ही उसे उठा लेता है और उसे शहर के किनारे तक ले जाता है और उसे खाना देने से इनकार कर देता है रेम्बो केवल कुछ खाने के लिए चाहता था जबकि वह शराबियों और परेशानी पैदा करने वालों के प्रति अपनी पूर्वाग्रही नापसंदगी पर जोर देता है रेमबो अभी भी भूखा है उतारे जाने के लगभग तुरंत बाद शहर में वापस चलना शुरू कर देता है और टीसल उसे फिर से देख लेता है इस बार उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है और स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाता है रेम्बो की खोज करते समय टीसल को रेम्बो की जैकेट के नीचे एक बड़ा जीवित चाकू मिलता है स्टेशन पर हेड डिप्टी शेरिफ आठ गाल्ट रेम्बो की पिटाई करता है और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे परेशान करता है रेम्बो को वियतनाम में अपने समय की याद आने लगती है जब वह एक यातनाग्रस्त युद्धबंदी था जब अधिकारी उसे ड्राई शेव करने का प्रयास करते हैं तो रेम्बो अंततः झपटता है और स्टेशन से बाहर जाने के लिए लड़ता है गैल्ट टीजल और चाकू निकालते समय उसके रास्ते में पकड़े गए प्रत्येक डिप्टी की पिटाई करता है बाहर वहस स्टेशन के पास से गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीन लेता है और पास के पहाड़ों में भाग जाता है जबकि टीसले अपनी पुलिस कार में उसका पीछा कर रहा होता है टीजल की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रेम्बो भाग जाता है टीजल ने अधिक अधिकारियों और एक हेलीकॉप्टर को बुलाया जबकि रेम्बो ने मोटरसाइकिल छोड़ दी और पैदल ही गहरे इलाके में चला गया उसे एक फेंके हुए ट्रक के पास एक पुराना बोरा मिलता है जिसे वह कपड़ों की वस्तु के रूप में उपयोग करता है बाद में आगे बढ़ते पुलिसकर्मियों से बचने की कोशिश करते हैं वे वह खुद को एक चट्टान के शीर्ष पर पाता है और खोजी हेलीकॉप्टर द्वारा उसे यात्री की सीट पर गाल्ट के साथ देखा जाता है गाल्ट ने अपनी राइफल से उस पर कई बार गोलियां चलाईं जिससे रेम्बो को चट्टान से छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह एक पेड़ से टकराकर गिर गया गाल्ट ने जमीन पर घायल रेम्बो पर गोलियां चलाना जारी रखा जवाबी कार्रवाई में रेम्बो एक पत्थर फेंकता है और हेलीकॉप्टर की विंडशील से टकराता है जिससे पायलट नियंत्रण खो देता है और गाल्ट अपना संतुलन खो देता है और गिरकर मर जाता है रेम्बो गाल की बंदूक और रेडियो लेता है अपनी चोटों की देखभाल स्वयं करता है और अंततः ऊपर की चट्टान पर कानून विदो का सामना करता है रेम्बो चिल्लाकर उनसे कहता है कि गाल्ट की मौत एक दुर्घटना थी लेकिन टीसल ने रेम्बो से कहा कि वे हिले नहीं अन्यथा वे गोली मार देंगे रेम्बो कहता है कि वह और अधिक परेशानी नहीं चाहता है और पीछे हटने लगता है लेकिन आदमी गोलियां चला देते हैं रेम्बो टीसल और उसके साथियों के साथ जंगल में भाग जाता है लोग रेम्बो को पकड़ लेते हैं और ट्रैकिंग कुत्तों को छोड़ देते हैं रेम्बो ने अपनी आखिरी गोलियों से दो और उनके मालिक को पैर में गोली मार दी और दूसरे को अपने चाकू से मार डाला पुरुष बाहर निकलना शुरू करते हैं और रेम्बो का पीछा करते हैं लेकिन रेम्बो गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके आसानी से उन्हें निष्क्रिय कर देता है रेम्बो प्रत्येक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करता है लेकिन उनमें से किसी को मारता नहीं है एक डिप्टी को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए रेम्बो ब्रश से बाहर निकलता है और टीसल को पकड़ लेता है और अपना चाकू उसके गले पर रख देता है अगर पुलिस ने उसे अकेला नहीं छोड़ा तो उसने टीसल को आगे की कार्रवाई की धमकी दी टीसल ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और राज्य पुलिस और नेशनल गार्ड को शिकार में सहायता के लिए बुलाया गया रेम्बो को प्रशिक्षित करने का श्रेय लेने के लिए कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन जल्द ही आते हैं वह किसी भी प्रतिनिधि को अभी भी जीवित पाकर आश्चर्यचकित है और टीसल को चेतावनी देता है कि स्थिति शांत होने के बाद रेम्बो को जाने देना और उसे ढूंढना सुरक्षित होगा फिर भी हार मानने से इनका रकड़ते हुए टीसल ने ट्रॉटमैन से अपनी स्थिति ठीक करने के लिए अपने चोरी हुए रेडियो पर रेम्बो से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए कहा ट्रॉटमैन अपनी पहचान बताता है और रेम्बो की वियतनाम कंपनी का नाम पुकारता है जिसका रेम्बो जवाब देता है रेम्बो ने खुद को आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और ट्रॉटमैन से कहा उन्होंने पहला खून निकाला मेरा नहीं अंततः रेम्बो को नेशनल गार्ड ने एक परित्यक्त खदान के प्रवेश द्वार पर घेर लिया तीसल को खबर मिलती है कि रेम्बो फंस गया है और गोली न चलाने का आदेश देती है अनु भवहीन गार्ड इसे नजरअंदाज कर देते हैं और उस पर रॉकेट दाग देते हैं विस्फोट से खदान का प्रवेश द्वार ढह गया और वह अंदर ही बंद हो गया लोगों ने मान लिया कि रेम्बो मर गया है लेकिन उसके पीछा करने वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि रेम्बो खदान की सुरंगों में भाग गया है रेम्बो को अंततः मुख्य सड़क के पास एक पुराना निकास वेंट मिल जाता है जहां से सैनिक साफ हो रहे हैं रेम्बो एक गुजरते सेना ट्रक को अपहरण कर लेता है इस प्रक्रिया में उसके चालक को सड़क पर कूदने के लिए मजबूर करता है और उसे एक गैस स्टेशन से टकरा कर शहर लौट आता है वह बिखरे हुए ईंधन को प्रज्वलित करके किसी का भी पीछा करने के लिए राजमार्ग को अवरुद्ध कर देता है अबेम साठ मशीन गन से भारी हथियारों से लैस रेम्बो बिजली ट्रांसफार्मर को नष्ट कर देता है जिससे शहर की बिजली गुल हो जाती है इस समय तक टीजल को एम्बो के गुफा से भागने की खबर मिल गई थी और उसने शहर की आबादी को सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने का आदेश दिया था रेम्बो एक बंदूक की दुकान को नष्ट करने के बाद स्टेशन की छत पर टीसल को देखता है और अंदर जाने से पहले पुलिस स्टेशन की बिजली निकालकर पुलिस स्टेशन की ओर जाता है टीसल ने रेम्बो को देखा और उस पर फायर किया लेकिन चूक गया रेम्बो ने छत से टीसल पर जवाबी गोली चलाई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया टीसल रोशनदान से होते हुए फर्श पर गिरती है रेम्बो उसे मारने के लिए तैयार होकर उसके ऊपर चढ़ जाता दोस्तों इसका जो रेम्बो का जो फर्स्ट पार्ट है 2008 में देखने का मिला था और लास्ट पार्ट दो में 20 सितंबर दो को इसका लास्ट पार्ट रिलीज किया गया था और कई जगह इसकी लेंथ लगभग 90 मिनट थी यू एस यू के कनाडा में और 101 सौ एक मिनट टोटल इंटरनेशनल एक से इसकी लेंथ थी कुछ सीन इसके काटे गए थे इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो इतनी कम देखने को मिली और यूनाइटेड स्टेट में इसे बनाया गया था इंग्लिश और स्पेनिश की लैंग्वेज थी मूवी का जो कलेक्शन था वो ठीक ठाक रहा तकरीबन 50 मिलियन के अंदर इसे बनाया गया था और कलेक्शन इसका 95 या 100 प्लस आप मान सकते हो तकरीबन पहुंच गया था तो अच्छा खासा कलेक्शन तो नहीं था इसलिए मूवी के मुताबिक लेकिन रिकवरी से मूवी ने जो कोर्स थी उसकी कर ली थी बाकी हमें जो चट्टा है वो कन्फर्म देखने को मिलने वाला है उसकी अपडेट मैंने आपको बता दी है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में